दोस्तों आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आईपीएल के ऑक्शन के स्टार्ट होने में अब काफी कम दिनों का समय बच गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 7 काफी बेहतरीन प्लेयर्स का नाम और उनकी प्रेडिक्टेड आईपीएल टीमों का नाम बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन उन सातों प्लेयर्स का नाम और उनकी प्रेडिक्टेड आईपीएल टीमों का नाम बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले बड़े प्लेयर हैं मयंक अग्रवाल, और मयंक अग्रवाल को खरीदने की इच्छा कोलकाता और हैदराबाद की टीम ने जाहिर की, जहां पर इन दोनों टीमों को बेहतरीन ओपनर की तलाश है। तो इस वजह से अग्रवाल को ये दोनों टीमें टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे बड़े प्लेयर है बांग्लादेशी ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज, और मेहदी हसन को इस साल के ऑक्शन में आरसीबी और चेन्नई की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों को ऐसे ऑलराउंडर की तलाश जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन बॉलिंग भी कर सके। तो इस वजह से मेहदी हसन को आरसीबी और चेन्नई इस साल के ऑक्शन में खरीदना चाहेगी। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे बड़े प्लेयर हैं सैम करन, और सैम करन को लेकर के पहले ही चेन्नई की टीम ने रिवील कर दिया कि इस साल के ऑक्शन में वो लोग सैम करन के ऊपर बोली लगाएंगे। हालांकि सैम करन को ऑक्शन में पंजाब किंग्स की टीम भी अपने रडार पर रखेगी। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे बड़े हैं आदिल राशिद, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2022 में काफी बेहतरीन स्पिन बॉलिंग किया था, और अब काफी सारे रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि मुंबई को फ्रंटलाइन स्पिनर की तलाश है। तो इस वजह से MI की टीम इस साल के ऑक्शन में आदिल राशिद को टारगेट करेगी। इसके साथ ही दिल्ली की टीम भी राशिद को ऑक्शन में टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के पांचवे बड़े प्लेयर है एडम जाम्पा, और एडम जाम्पा को ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि चेपॉक के टर्निंग ट्रैक पर जाम्पा घातिक साबित हो सकते हैं, और इसके साथ ही मुंबई की टीम भी जाम्पा को टारगेट करेगी। हालांकि मुंबई आदिल राशिद या फिर जाम्पा में से सिर्फ एक प्लेयर को ही खरीदेगी। इसके बाद इस लिस्ट के छठवें बड़े प्लेयर हैं साकिब अल हसन, और साकिब अल हसन जैसे अनुभवी ऑलराउंडर को राजस्थान की टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी, क्योंकि राजस्थान ने अपने स्क्वाड से राशि वंडरसन, जिमी निसम, डेरी मिचेल समेत काफी सारे ऑलराउंडर्स को रिलीज किया था। तो उनको मेकअप करने के लिए ये टीम ऑक्शन में साकिब को सस्ते दामों में खरीदना चाहेगी। वहीं इस लिस्ट के सातवें अंतिम प्लेयर हैं हैरी ब्रुक, और हैरी ब्रुक को ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि इन दोनों टीमों को नंबर 3 पर बेहतरीन प्लेयर की तलाश है। तो ये था कुछ बड़े अंडररेटेड प्लेयर्स का नाम जिनको रिस्पेक्टिव टीमें टारगेट करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।